उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद भी गुड़ तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। गुड़ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस वालों पर भी हमला करने से नहीं चुप रहे। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना इलाके में एक ट्रक से गोवंशीय पशुओं को कटान के लिए ले जा रहे पशु तस्करों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो गोद तस्करों ने दरोगा पर ट्रक चढ़ाकर उसे कुचलने की कोशिश की। करनपुर चौकी इंचार्ज राजन शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर गो तस्करों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें वो ट्रक की चपेट में आ गए। दरोगा के पैर पर ट्रक का पहिया चढ़ाने के बाद गो तस्कर ट्रक छोड़कर भाग गए। इस ट्रक में पुलिस को 5 गोवंशीय पशु बरामद हुए। ट्रक की चपेट में आने वाले दरोगा राजन शर्मा का मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने 3 नामजद सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और वो आरोपियों की तलाश में जुट गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कब तक गो तस्करों ने पुलिस पर इस तरह हमले होते रहेंगे। समझ क्या हुआ था कल मुखबिर की सूचना पे गए थे हम लोग सुनंगना के जंगल में, कुछ गोवंश पशु लाद के लेकर आ रहे हैं अवैध कटान के लिए। उसी सूचना पे गए थे वहाँ पे, जो जब जाकर उनकी घेराबंदी की तो उन्होंने ट्रक चढ़ा दी हमारे ऊपर। कौन सा ट्रक था? ट्रक का नंबर तो मैं याद नहीं है, लेकिन पकड़ा गया ट्रक भी और जो गाय बैल लेकर आई वो भी बरामद है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? वहीं पर जंगल में उतारने के लिए लाए थे वहीं पर। लगभग कितने बजे का टाइम होगा सर? वही 8, 8:30, 9 बजे के आसपास ही। अच्छा, हुआ क्या था जब आपकी चोट लगी तो आप किस हालत में पाए? अब जो ट्रक का पहिया था वो पैर उतर गया मेरी, मैं भी घायल हो गया। कितने लोग थे आपके साथ? ये तो मुझे जानकारी नहीं कितने लोग थे। ये आपके साथ कितने लोग थे? कुछ सिपाही थे, दीवान थे, हेड थे। किसी और को भी चोट आई है? ना। कितनी गाय पकड़ गई है उसको? उसमें 5-6 गाय थी और ट्रक बरामद है। कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था ट्रक? वो तो हमें मुखबिर की सूचना मिली थी तो जंगल में बताया गया था, तो वहीं पर उसकी घेराबंदी की गई थी। अच्छा, जब आप पहुंचे तो वहां से भागने का प्रयास करा? जी। कहाँ पकड़ा गया? वही मौके पे पकड़ा गया, वही जंगल पे रोड पे चप्पल जंगल में वही भी पकड़ा गया। आपके द्वारा मुकदमा लिखवा जाए? हाँ, मुकदमा कायम हो गया। किन द्वारा मुकदमा कायम? ये तो FIR देख के पता चला है।